सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ सेविया वाली चिकन की कबाब। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 kg ऑफ डाइस्ड पोटैटोज, 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, यह है लेमन सॉल्ट, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैं 1/4 spoon डालूंगी। इसको नींबू के फूल भी कहते हैं। 1 tablespoon जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon टोमेटो केचप, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/2 liter जितना पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर इसको आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैं कवर करके गैस पे रखूंगी, इसकी 3 सीटियां बजाऊंगी। 3 सीटियां होने के बाद फिर मैं इसको 15 मिनट बारीक गैस पे रखूंगी, और खोलने के बाद अगर इसमें पानी है तो मैं पूरा का पूरा पानी सुखाऊंगी। ये अब मेरी चिकन पूरी बॉईल हो गई है, इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सॉस जैसा मैंने रखा है, क्योंकि जो है स्मैश करने के बाद वो नहीं तो फिर एकदम ड्राई हो जाएगी जब ठंडी हो जाएगी। अब इसको मैं स्मैश करूँगी, ये जब गर्म होता है तभी स्मैश करें तो अच्छे से होगा, ठंडा होने के बाद सही से स्मैश नहीं होगा। अब आप देखें ये चिकन का जो बैटर है बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 green chilies, आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ, 1/2 handful of coriander एंड 1/2 lemon, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा मैं इसकी कबाब बनाऊँगी। अब ये जो मेरा मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है तो अब मैं इसकी कबाब बनाऊँगी। सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगाऊंगी, 1 spoon भर के लूँ, इसको अच्छे से फ्लैट करके फिर एक ट्रे में रखूंगी। इसी तरह से मैं बाकी की कबाब भी बना दूंगी। ये देखें अब ये कबाब जो है सारी रेडी हो गई है, तो इसका कोटिंग वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने 2 eggs बीट कर लिए हैं, और ये सेवियाँ हैं जो हम शीर खुरमे में यूज़ करते हैं, उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैं एक कबाब लूँगी, इसको एग में डिप करूँगी, उसके बाद फिर बाद में सेवियाँ की प्लेट में रख के इसको अच्छे से कोटिंग दूँगी। ये खाने में बड़े मज़े की लगती है, बाहर से एकदम क्रिस्प होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। ये देखें, मैं एक और बताती हूँ, इसको हल्के हाथ से आप प्रेस करते जाएं तो सेवियाँ जो है अच्छे से कोट होती जाएगी। इसी तरह से मैं बाकी की कबाब भी बनाऊंगी। अब ये मेरा फ्राई पैन में ऑयल गरम हो गया है, इसको आपको शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। मैं इसमें कबाब डालूंगी, इस कबाब को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो इसकी सेवियाँ हैं वो जल ना जाएं और अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। अब ये हो गई है तो मैं इसे निकाल दूंगी, टिश्यू पे अच्छे से इसको ड्रेन कर दें। अब मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। यह है सेवियों वाली कबाब, बिल्कुल रेडी टू सर्व। इसे आप गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।